नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं हूं खुर्रम अली और मैं शिखा जैन। पॉलीग्राफ में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे फिल्म पद्मावत के बारे में जो कि बहुत विवादों में रही है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अभी अभी हम जिस मूवी को अनफॉर्चुनेटली देखकर आ गए और अब हम लोग लग रहा है कि उन्होंने काफी पैसा वेस्ट कर दिया उस मूवी को देख के, पैसा वसूल नहीं हो पाया जी, क्योंकि जैसी किताब लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने वैसा अडॉप्टेशन संजय लीला भंसाली साहब कर नहीं पाए उसका, और स्टार्टअप में फंस गई। काफी लोगों का स्टार्टअप दिखाया इसमें एक्टर्स का, और बिल्कुल बिजनेस माइंडेड, बिल्कुल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अच्छी मूवी है, लेकिन इसमें कोई आर्ट, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें काफी करेक्टर्स और काफी स्टोरी लाइन ऐसी है कि जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रोवर्सीज हो चुकी है शुरुआत से इसमें। और अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह जी जो कि ऐसा मोनोटोनस एक्टिंग करके, और मतलब एक्टर्स भी उन्होंने ऐसे लिए हैं जो कि एक्टर ना होके हीरो हैं, हीरोइन हैं, जिन्होंने की एकदम ऐसी एक्टिंग करी है कि आप पिछली कोई मूवी उठा के देख ली और ये मूवी उठा के देख ली तो आप बस डायलॉग्स डिफरेंट लगेंगे, बाकी एक्टिंग आपको लगेगा कि वही कर रहे हैं। हां, जैसे कि रणवीर सिंह, उन्होंने सेम एक्टिंग करी है बाजीराव मस्तानी में, बिल्कुल, और सेम एक्टिंग उन्होंने इसमें कर दी है। उसमें मराठा का कैरेक्टर उन्होंने निभाया था, उसके बाद आज भी वो उस मूवी में भी डायलॉग बोल रहे हैं तो मुझे मराठा वाला बाजीराव मस्तानी ही याद आ रहा है। तो ऐसा कुछ नया तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैं शाहिद कपूर के बारे में बोलना चाहूंगी कि शाहिद कपूर को मैंने अभी तक जितनी भी मतलब मैंने उनकी मूवीज देखी है उसमें मैंने उन्हें हमेशा एक लवर बॉय के कैरेक्टर में देखा, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने एक अपना जो कम्फर्ट जोन था उसको तोड़ा और एक नया कैरेक्टर अपनाने की कोशिश की, उसमें मेहनत की और काफी अच्छा उन्होंने और कहीं कहीं पे मैं बोलना चाहूंगी कि भंसाली जी का जो सिनेमेटोग्राफी थी वो काफी खूबसूरत थी, जिससे जो एक समा बनता है कि ऐतिहासिक समा बन रहा है वो चीज मुझे फील हुई। लेकिन वहीं पे जो हमारी मॉडर्न चीजें वो आ गई, लाइक आप इनके जो कॉस्ट्यूम्स थे और इनका जो म्यूजिक था वो सारा आज का था, वो सारे आज के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक उन्होंने उसमें डाले हैं। कुछ लोग तो शिखा ये भी कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सीज थी इसके पीछे, ये सब एक प्रमोशनल स्टंट था, थोड़ा प्रमोट हो जाए मूवी को देखने के लिए, क्योंकि भंसाली जी ने सिंपल सी मूवी बनाई है, उसमें कोई ऐसा मसाला नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी और ज्यादा प्रोग्रेस करती और उनको ये सारा विवाद और ये सारा जो तामझाम उन्होंने किया है ये नहीं करना पड़ता अगर वो इस मूवी के पॉइंट को चेंज कर देते। लाइक उन्होंने जौहर दिखाया है जो कि वो नहीं दिखाते, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आज का समाज और आज की जो नारियां हैं वो कभी जौहर नहीं करना चाहेंगी। तो और दूसरी चीज ये है कि खिलजी का इतना हौवा बना दिया है ना शुरू से, खिलजी 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 कर दिया, जिसकी वजह से राजपूत को छोड़ है, राजपूतों को ऐसा डिफीट पसंद नहीं है उनको भी, और राजपूतों को ऐसा दिखाया है मूवी में कि जैसे ये अपनी वो पूछता है खिलजी आके दूसरी चीज की शुरुआत से मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रही थी मूवी, तो जैसे कि उसमें दिखाते हैं कि उनकी फर्स्ट वाइफ से कहती है कि मेरे लिए मोती लेके आओ, सात समुद्र पार से जाके जाना पड़े, तो शायद वो निकल जाते हैं। हाँ, और वो वहां से एक उनकी सौतन ले आते हैं, सौतन लेके आते हैं। और दीपिका का जितना बताया गया है कि मतलब वो बहुत खूबसूरत थी, ये थी वो थी, जो सारी बातें बताई गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका को सिर्फ उन्होंने सुंदरता की वजह से लिया है, जो कि मुझे तो बहुत गलत ही लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी कैरेक्टर में नहीं है। दीपिका ने अपना कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं निभाया, जिस तरीके की वो पद्मावती रानी है, जिस तरीके के मुझे लगता था कि शायद उसमें फाइट सीन होंगे उनके बहुत खूबसूरत से, जिस टाइप की रानी होती लेकिन, है। लेकिन अभी संजय लीला जो भंसाली का सबसे फेवरेट एक्टर है ना, ये दीपिका, ये दीपिका आज चल रहा है। हां, और अभी पता नहीं क्या कास्टिंग डायरेक्टर ने क्या कास्ट किया था,
और एक मलिक काफूर के रोल में एक को लिया है जिन सराफ को, वो एक अफगानी बंदा है उसको मलिक काफूर को, उसने क्या किया है, उसने भी सिंपल सिंपल डायलॉग डिलीवरी करी एकदम मोनोटोन सिस्टम की एक्टिंग करी, उसने कोई वेरिएशन नहीं है। वो कह रहा है कि वो मुझे रणवीर के साथ काम करने में बहुत मजा आया और हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, तो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है आपकी, तो आप लोगों ने मतलब आप लोग एक ही लेवल के होंगे, एक ही लेवल मैच्योरिटी होगी तो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। बिल्कुल। और दीपिका के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरे को तो उसके दुपट्टे से बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने उसे देखा कौन सी मूवी थी, रामलीला, रामलीला में मैंने देखा उसने वैसे दुपट्टा लगाया था, उसके बाद उसने बाजीराव मस्तानी में भी वैसे दुपट्टा लगाया था, इस मूवी में भी उसने वैसे ही दुपट्टा लगाया, वो शायद वैसे ही दुपट्टा लगाएगी, मैं परेशान हूँ। मैं दीपिका के लिए तो पर्सनली बोलना चाहूंगी क्या कर रही है। और एक और चीज है, उसमें दिखाया है कि वो एक कुछ उसके कुछ ऐसे पल होते हैं जो कि सिर्फ राजा रानी के सिवा और कोई नहीं देखता है। हाँ, वो सो कॉल्ड कांड के पल, हाँ सो कॉल्ड कांड के पल जो होते हैं वो आके वो देख लेते हैं राजगुरु, राजगुरु और राजगुरु के वो मार भी देते हैं चाकू, और फिर राजगुरु धमकी देके चले जाते हैं कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, और वो कर भी देते हैं, कर भी देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? उसके बाद उसको और भड़काता है उसको, ऐसे एक तो ऐसी चीज है, इतनी नायाब चीज है पद्मावती, तो पद्मावती का भी हुआ क्रिएट। और देखिए खिलजी को दिखाया गया है कि खिलजी एक ऐसा आदमी था लाइक साइको, उसे जो पसंद आ गया नायाब चीज वो उसकी बातों में आ गया, कोई अजनबी इंसान था उसकी बातों में आ गया कि भाई वो नायाब चीज है मैं भी उसको पाके रहूंगा, और वो चला भी गया उसको पाने, ये कौन सी बात है, उसे बिना देखे उसे पाने चला गया। सबसे ज्यादा चीज तो ये है, सबसे ज्यादा जो पागल हो रही है जो ऑडियंस हो रही है वो खिलजी की हो रही है। ऑडियंस पे कि वो लोग कह रहे हैं यार ये तो पूरा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो सेम ही लगी उसकी एक्टिंग। मैं कहूँ तो एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके मतलब उसके चार्म के लिहाज से बोल रहा हूँ, वो काफी चार्मिंग है शुरू से भी, वो चार्मिंग रहा है और वो काफी एनर्जेटिक है। थोड़ी एनर्जी होगी उसमें डायरेक्शन होगा, इतनी एनर्जी लेके बाद आपका डायरेक्शन का फायदा यार। वो संजय लीला बल्लाली जी ने फेल किया है इसमें, उनको सही से पोर्ट्रे नहीं कर पाए करेक्टर्स को करेक्टराइजेशन नहीं कर पाए से। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स जो थे उनको कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए था, उस टाइप का उनका कॉस्ट्यूम देना चाहिए था, सब कुछ नया। मेरा तो मतलब जो एक बन रहा था एक समा जहाँ पे मूवी बांध रही थी कि हाँ ऐतिहासिक मूवी है सब कुछ है, वहाँ पे जब ये इनके कॉस्ट्यूम्स होते थे, साउंड होता था, बार बार बीच बीच में गाने चले आ रहे हैं, तो ये समा पूरा संजय लीला भंसाली जी डायरेक्टर से पहले एडिटर थे, उनसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं थी। हमारा वीडियो आपको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। हाँ, मेरे बारे में जरूर लिख देना, मैं आप तो जानते ही ना शिखा जैन। हाँ, मैं हूँ सरावली। और आपको क्या पसंद है, आपको क्या कौन सी मूवी आपको चाहते हैं हम लोग रिव्यू करें, आपको जरूर बताएं। हाँ, आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे जो आपकी फेवरेट मूवी है, हम उसके ऊपर फिर से एक और नया वीडियो लेकर आएंगे। जी, थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अलविदा, बाय।
बाय।